आजादी है गुनाह तो कबूल है सजा, अब तो होगा वही जो है मंजूर खुदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माधुरीज वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आप लोगों के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो थग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो चलिए देखते हैं। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इसमें दो महान नायक है, मिस्टर बच्चन साहब एंड आमिर खान, दोनों अपने जगह का एक काबिल एक्टर है और दोनों की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। और हिंदुस्तान के ऊपर फिल्म बनी है थग्स ऑफ इंडिया, तो उसमें कुछ ना कुछ कुछ नया मसाला होगा जिसकी वजह से पब्लिक को और मज़ा आएगा, क्योंकि तो पहली बार दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इस वजह से कुछ अच्छा ही होगा मूवी में। मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आमिर खान है, सो हर साल उनकी मूवी का इंतजार रहता है कि कुछ न्यू सब्जेक्ट लाएंगे, और थग्स ऑफ हिंदुस्तान यानी पता नहीं शायद धूम की तरह कुछ हो, और कैटरीना कैफ है, ओलंपिक स्टार्स एंड अमिताभ बच्चन, और शायद अमिताभ बच्चन और आमिर खान दोनों पहली बार जा रहे हैं। सो बस यही बिग एक्सपेक्टेशन है कि कुछ न्यू हैवी सब्जेक्टेबल एंटरटेनमेंट मिलेगा, कुछ भी समथिंग लाइक ब्रेन वाइज कुछ नया सब्जेक्ट, एक्शन तो सब जगह होते हैं, कॉमेडी भी होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस मूवी के किरदारों के बारे में। मूवी में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फातिमा सना शेख मुख्य भूमिका में है। इनके अलावा इसमें कैटरीना कैफ भी है जो सपोर्टिंग रोल में नजर आई है। मूवी में अमिताभ बच्चन खुदा बख्श नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि एक तरह से फातिमा सना शेख यानी जफीरा के बॉडीगार्ड होते हैं। आमिर खान फिरंगी मल्ला का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि काफी अतरंगी और इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। साहब, बहुत एक कमीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बास्टर्ड। हम हैं साहब, आपसे मीटिंग बहुत मजा आया, अब हम 1-2-3 किक मार। अगर इस मूवी में किसी ने 4 चांद लगाए हैं तो वो है फिरंगी मल्ला। ये कैरेक्टर थिएटर्स में भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया है। फातिमा सना शेख जफीरा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि बचपन में एक सल्तनत की राजकुमारी होती है, लेकिन बड़ी होने के बाद वो क्रांतिकारी बन जाती है। कैटरीना कैफ सुरैया का रोल प्ले कर रही है, जो कि एक डांसर होती है और जिनकी केमिस्ट्री फिरंगी मल्ला के साथ बहुत अच्छी दिखाई गई है। ये सब किरदार रॉबर्ट क्लाइव नाम के अंग्रेजी ऑफिसर के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाए गए है। तो चलिए देखते हैं ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगी। बहुत ही अच्छी मूवी थी और आमिर खान एक्टिंग वाज वेरी गुड एंड ऑसम मूवी, अमिताभ बच्चन इज वेरी गुड और सभी कैरेक्टर अच्छे थे, सबने अच्छे बहुत ही। कैटरीना कैफ की एक्टिंग, कैटरीना कैफ का थोड़ा सा कम रोल था लेकिन ठीक था। हाँ, स्टोरी लाइन ठीक लगा, स्टोरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। हाँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, काफ़ी लोग पसंद करेंगे। अच्छा था मूवी, वन टाइम देखने के लिए अच्छा है। सर, इंडिया को पसंद आएगा मूवी? हाँ, आएगा आएगा। और स्टोरी लाइन सर, आपको लगता है कि ऐसी मूवीज आगे भी चलेगी इंडिया में कभी? मे बी येस और नो, आई डोंट नो, मतलब थोड़ा चलेगा थोड़ा नहीं भी चलेगा। और आपको लगा कि ये रिजेंबलेंस है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के साथ कुछ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग अलग अलग। अरे, काफ़ी फाड़ू पिक्चर है, कॉमेडी वगैरह बहुत है और फातिमा मैम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। कैटरीना का ठीक है, ओनली 2 आइटम सॉन्ग्स, आमिर सर तो हैं ग्रेट और अमिताभ बच्चन सर ने बहुत सही एक्शन दिया। अच्छी थी मूवी, मीन्स पहले लगा कि शायद ठीक होगी बट उसके बाद लास्ट तक मज़ा आया। ऐसे अमिताभ की बात करें तो लेजेंडरी है, बट जो उनका एक्शन रहा और जैसे कि फ्रेंड ने बोला कि फातिमा जिनका एक्शन मतलब लाजवाब था, मजा आ गया देख के, पूरा मींस पैसा वसूल। मुझे तो हैया हैया सॉन्ग अच्छा लगा। म्यूजिक जो दो करीना मैम के बहुत सही और एक आमिर सर और अमिताभ सर का वो भी वासा मल्ले भी बहुत सही रहा, टाइमिंग पे है सारे सॉन्ग बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, देखिए सब एग्री करते हैं बट आई बैक टू डिफर। अब देखिए, अब आप पुराने उसमें सेट कर रहे मूवीज तो शिप होंगी, वो सीन वैसा तो होना जरूरी है। अब आप कपड़े भी अब नए तरीके के थोड़ी लाएंगे यार, जो उस समय पहनते थे वही पहनेंगे। एक्टिंग फातिमा सना से कई सबसे बढ़िया लगा। हाँ,
तो आपको लगता है इंडिया में ऐसी मूवीज आगे चलेंगी? अरे बहुत चलेंगे। अरे नहीं चलेंगे क्या बात, एक्चुअली इस जनरे में एक स्टार्ट है अभी, ये यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लेके जाना है, और अगर ऐसी मूवीज आएंगी तो बिल्डअप होगा बहुत। ऑलरेडी पहले ऐसी मूवीज नहीं बनती थी, अभी बना है भी और इससे अच्छी अच्छी बननी है। मेरी तरफ से 4.5 एक्शन के लिए अलग और कॉमेडी के लिए अलग और एक्टिंग के लिए अलग रिव्यू देना चाहूँगा। एक्शन के लिए 4.2 और कॉमेडी के लिए 3.5 और एक्शन के लिए भी 4.2। ओवरऑल थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक अच्छी और एंटरटेनिंग मूवी है, आप सभी को इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से इस मूवी को देती हूँ 3.5 स्टार्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।